ट्रेड का चौका। वैशाली जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से आप आज कहां मौके देख रही हैं? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो यस, सबसे पहले तो इंडेक्स पुलर और बैंक निफ्टी आज काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो SBI ही सबके रडार पे है, तो हमने SBI एक तो चुना है और डिसाइसिव मूव भी आ चुका है। 748 749 का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमने वो क्रॉस कर लिए है, तो आई थिंक इट शुड कंटिन्यू टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 780 एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और इसमें 730 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा है ओवरऑल ऑयल एनर्जी इंडेक्स इज डूइंग वेरी वेल, सो ONGC अभी एक अच्छे से लेवल्स पे है और मोमेंटम भी सही है, सो 262 के स्टॉप लॉस के साथ 275 का टारगेट ONGC में मैं दिख रही। ठीक है, तो ये अहम स्टॉक का पसंद आते हुए वैशाली जी को इस वक्त, और बढ़ते हैं संतोष जी के पास। संतोष जी, आप बताइए आप आज कहाँ फोकस कर रहे हैं? यस, मेरे भी दो स्टॉक्स है, दोनों ही लॉन्ग साइड के डेफिनेटली। तो पहला स्टॉक मेरा L&T टेक्नोलॉजी रहेगा। आप एक चीज नोटिस करोगे कि पिछले कुछ दिनों में IT स्टॉक्स में एक करेक्शन देखने को मिला है, ऑन द कॉन्ट्ररी L&T टेक्नोलॉजी लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे टेक्निकली एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, तो लग रहा है कि मोमेंटम आज फिर और एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा। यहाँ पे 5650 का टारगेट रहेगा और 5500 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज हम बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, इंडसइंड बैंक मुझे लगता है कि अभी और इसमें स्टीम लेफ्ट है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है स्टॉक में और चलने को तैयार है, तो 1585 का टारगेट रहेगा, 1530 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये नज़र और ख़ास तौर पे इन स्टॉक्स पर फोकस आता हुआ संतोष जी का। शेयरों पर क्या है नज़रिया? संतोष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इन्फोसिस, विप्रो और TCS IT शेयरों के मोमेंटम पर नज़र भी रहती है, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि मौके कम आते हैं यहाँ पर एंट्री के लिए, तो क्या इस तेज़ी के ट्रेंड पर सवारी की जा सकती है? यस सर, तीनों ही स्टॉक इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, स्पेशली इन्फोसिस और TCS की बात करें तो इन्फोसिस बहुत ही हेल्दी करेक्शन के बाद अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। TCS की बात करें तो वो अपने 100 डे मूविंग से बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, ऊपर में शायद हमको 4000-4050 तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। विप्रो में अभी और थोड़ी स्पेस अपने 100 डे मूविंग एवरेज करने की, जो करीबन 465-466 के आसपास था, तो विप्रो में थोड़ी और स्पेस है, लेकिन हो सकता है यहीं से रिवर्सल कर जाए, तो मेरे को लगता है कि TCS और इन्फोसिस में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है खरीदारी के लिए, लेकिन अगर किसी को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहता है तो मैंने आज L&T टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था, वो स्टॉक मुझे काफी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि शायद IT टेक से ये स्टॉक यहाँ से तेजी लीड कर सकता है, एक टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी सम पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो कोई मिड कैप IT में ट्रेड करना चाहे तो L&T टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस और TCS फ्रंटलाइन से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है। ठीक है, तो L&T टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस और TCS में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नज़र आते हैं, काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर हमें रफ्तार नज़र आई है।